नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं हेल्पर्सन चैनल। दोस्तों, आज पेनीरबाई की तरफ से और एक अपडेट आया है कि जो अब अगर आप पेनीरबाई का एप्लीकेशन ओपन करते हैं या वेबसाइट ओपन करते हैं, तो अगर आप पता होगा, अगर आप पहले पहले जब आप ओपन करते होंगे पेनीरबाई का वेबसाइट और एप्लीकेशन, तब आपको एक OTP आया होगा आपकी फ़ोन पर, मोबाइल पर। तो अगर तो पहले से आप रजिस्टर करे हुए हैं या कभी किसी भी लैपटॉप में किसी भी मोबाइल पर, तो OTP नहीं आएगा, मगर कभी कभी टेक्निकल इशू के कारण वो OTP सेंड करता है। तो आज दो दिन है मार्च 21 का, तो आज OTP वगैरह सब नहीं आएगा। जो भी OTP का प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम चल रहा है अभी का अभी। तो अगर आप न्यू डिवाइस में ओपन कर रहे हैं एप्लीकेशन को या लैपटॉप में ओपन कर रहे हैं, तो आपका OTP नहीं आएगा, तो आप परेशान मत होइएगा। तो आपका आज का बिजनेस थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके समाधान के लिए आपको मैं सजेशन करना चाहूँगा। जो भी मैं पर्सनल खुद करता हूँ, मैं हमेशा दो डिवाइस में पेनीरबाई का वेबसाइट यूज़ करता हूँ, और एक है लैपटॉप में और एक है मोबाइल पर। तो लैपटॉप में इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि लैपटॉप में अगर एक बार OTP कर वेरीफाई करके आपने ओपन कर लिया, तो दोबारा जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको OTP नहीं आएगा, वो आपको ID और पासवर्ड देने के बाद ओपन हो जाएगा। अगर न्यू लैपटॉप में न्यू डेस्कटॉप में करते हैं तो OTP आने का कारण बन सकता है। अगर आप जो लैपटॉप है कि जो फ़ोन का डिवाइस है, अगर उसका ब्राउज़र हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं सारे के सारे, तो OTP आने का कारण बन सकता है। तो इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि आप लैपटॉप या फ़ोन दोनों डिवाइस में पेनीरबाई को लॉग इन करके रखें, और अगर दो डिवाइस यूज करें तो दो आजकल तो मैं जितना देखता हूँ कि सारे सबके लोग सबके पास दो स्मार्टफोन होता है। तो अब मेरे पास दो स्मार्टफोन हैं, तो मैं दो स्मार्टफोन और एक लैपटॉप भी लॉग इन करके रखता हूँ। तो इसलिए क्या होता है कि जब मैं लॉग इन करता हूँ, पासवर्ड देता हूँ, तो वो OTP नहीं मांगता है। तो आज जो प्रॉब्लम हो रहा है OTP का, अगर कोई पहली बार रजिस्टर कर रहा है या कोई ID न्यू यूजर बन रहा है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आज से OTP नहीं आएगा। तो ये था बहुत छोटे पेनीरबाई से छोटा सा अपडेट। और भी बात बताना चाहूँगा, अगर इस तरह का नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और आगे मैं बताना चाहूँगा जो RCSI का जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पड़ रहा है, क्या क्या आंसर आपको देना चाहिए, और मैंने आंसर दे के क्या फेल हुआ क्या पास हुआ, आगे दे सकते हैं या नहीं, सारे के सारे बताऊँगा। और इसलिए हम चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप लोगों को। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और आपके डिस्ट्रीब्यूटर को सब्सक्राइब शेयर करें। और दोस्तों, आज के लिए इतने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।